बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अर्शा सीना। क्या सामने रखे हुए मट्टी के बने बुतों से ही मांगना शिर्क है, या कि अल्लाह के सिवा किसी से भी मांगना शिर्क है? अगर तो ऐसा है कि अल्लाह के सिवा किसी से भी मांगना शिर्क है, तो फिर जो बुत हमने अपने अंदर खुद बना रखे हैं, क्या उनसे भी मांगना शिर्क है? वो बुत जो हमने अपनी कम इल्मी, ला इल्मी या शायद के ज़रूरत से ज़्यादा इल्मी किसी से भी मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं और इस इंतहा की करने लगते हैं कि अपनी मनतें, मुरादें, अपनी ज़रूरतें और जो कुछ भी हमें चाहिए होता है हम अल्लाह को छोड़कर उससे मांगने लगते हैं, हमारे अंदर के ज़हनी, ख्याली, ज़बानी और अकीदती बुत जिनको हमने खुद बनाया है और फिर खुद ही उनसे मांगना शुरू कर देते हैं। अगर तो अल्लाह के सिवा किसी से भी मांगना शिर्क है, तो फिर याद रखिए कि ये जो बुत हमने अपने अंदर बनाए हुए हैं फिर उनसे भी मांगना शिर्क है। जो कुछ भी मांगना है सिर्फ अपने अल्लाह से मांगना है। अल्लाह ही देता आया है, दे रहा है और देता रहेगा। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि खुद आपने जो अपने अंदर बुत बनाए हुए हैं इनको तो तोड़ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों का, अरब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी। और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, आसानियाँ पैदा कीजिए, किसी के लिए कोई छोटी सी मुश्किल भी पैदा ना कीजिए और खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, खुदा ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह।